हेलो गाइस, माय नेम इज पवन नागर। तो हम बात कर रहे थे टेरेगो पलटाइन फोसा के ऊपर। तो हमने बताया था कि हम टेरेगो पलटाइन फोसा को थ्री थ्योरेटिकल पोर्शन, मतलब थ्री पॉइंट होंगे थ्योरेटिकल पोर्शन के, बाउंड्रीज, कम्युनिकेशंस एंड कंटेंट, एंड वन टू थ्री थ्री डायग्राम होंगे। वन डायग्राम फॉर बाउंड्रीज एंड कंटेंट, सॉरी वन डायग्राम फॉर बाउंड्रीज एंड कम्युनिकेशंस एंड टू डायग्राम फॉर कंटेंट। तो हमने अब तक तीन वीडियोज अपलोड कर दी है। तीन वीडियोज के अंदर हमने आपको तीन चार्ट बनाए थे। फर्स्ट वीडियो थी हमारी जर्नल डायग्राम, जिसके अंदर हमने बेसिकली आपको बाउंड्रीज और कम्युनिकेशंस, इन दोनों पॉइंट्स को क्लियर किया था इस डायग्राम के थ्रू। तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑन टेरेगो पलटाइन फोसा। इसके बाद हमने आपको सेकेंड वीडियो में पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन का चार्ट बनवाया था, जिसमें हमने बाउंड्रीज, कम्युनिकेशंस, कंटेंट इन तीनों को कवर किया था। तो देखिए, वही बाउंड्रीज, कम्युनिकेशंस, कंटेंट, ये पूरा चार्ट हमने कहाँ बनाया था? सेकेंड वीडियो ऑफ टेरेगो पलटाइन फोसा। उसके बाद थर्ड वीडियो में हमने आपको कंटेंट का वन डायग्राम बताया था। हमने बोला था ना कि कंटेंट के टोटल टू डायग्राम होंगे, वन डायग्राम फॉर मैग्जिलरी आर्टरी एंड सेकंड डायग्राम फॉर नर्व्स, मतलब मैग्जिलरी नर्व एंड टेरेगो पलटाइन गैंग्लियो। तो देखिए, दिस इज़ आवर लास्ट वीडियो, जो फोर्थ वीडियो है अभी हम बना रहे हैं। ये हमारे टेरेगो पलटाइन फोसा की लास्ट वीडियो है, और इसमें हम बात करेंगे आपसे कंटेंट के नर्व वाले डायग्राम की। मतलब कि हमने यहाँ लिखा था ना कि टेरेगो पलटाइन गैंग्लियन एंड इट्स ब्रांचेज कंटेनिंग फाइबर्स ऑफ मैग्जिलरी नर्व। तो हम इस पूरी बात को, इस पूरे नर्व वाले पोर्शन को आज एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि इसका डायग्राम हम आज इस वीडियो में ड्रॉ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसको अभी हम जो आपको टेरेगो पलटाइन गैंग्लियो का डायग्राम बनाएंगे मैग्जिलरी नर्व वाला, तो देखिए उसके लिए आपको दो चीज़ें आनी चाहिए। दो चीज़ें क्या? एक तो आपको मैग्जिलरी नर्व की ब्रांचेज याद होनी चाहिए, एंड सेकंड आपके माइंड में टेरेगो पलटाइन गैंग्लियन पूरा होना चाहिए। ओके, और देखिए दोनों वीडियोस हमने अपलोड कर दी हैं। मैग्जिलरी नर्व ये आपको कहाँ मिलेगी? आल क्रेनियल नर्व्स वाली प्लेलिस्ट में, जो कि साइड में आई बटन पे हैं। और टेरेगो पलटाइन गैंग्लियन, देखिए हमने सारे पैरासिम्पेथेटिक गेंग्लिया लाइक सीलियरी, टेरेगोपलेटाइन, सबमेंडिबुलर और ओटिक सारे अपलोड कर दिए हैं, और सारे गेंग्लिया आपको कहाँ मिलेंगे? आल पैरासिम्पेथेटिक गेंग्लिया में। ओके, तो मैग्जिलरी नर्व की ब्रांचेज एंड टेरेगोपलेटाइन गेंग्लियन, बेसिकली इसकी क्या क्या ब्रांचेज होती है वो सारी आपको आनी चाहिए। अगर आपको ब्रांचेज आती है तो आपके लिए ये वाला डायग्राम या फिर ये वाला वीडियो बहुत ही सिंपल होने वाला है। ओके, तो इस वीडियो का मतलब इस डायग्राम की स्टार्टिंग में करता हूँ यहाँ पे ट्राइजमाइनल गेंग्लियन से। ओके, तो देखिए ये क्या है, दिस इज ट्राइजमाइनल गेंग्लियन। ओके, ये है ट्राइजमाइनल नर्व, इससे यहाँ बना ट्राइजमाइनल गेंग्लियन, और ट्राइजमाइनल गेंग्लियन से तीन ब्रांच निकलती हैं। कौन कौन सी होगी? दिस इज ऑप्थेल्मिक, दिस इज मैग्जिलरी एंड दिस इज मैंडिबुलर। ट्राइजमाइनल नर्व की थ्री ब्रांचेज होती है ना, हमें किसकी बात करनी है? ओनली मैग्जिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजमाइनल, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पे? टेरेगो पलटाइन फोसा। तो देखिए, ये मैंने मैग्जिलरी नर्व ड्रॉ की, आगे गई। ओके, इसके बाद इसकी फर्स्ट ब्रांच, ओके, इसकी एक ब्रांच होती है, इन्हें बोलते हैं गैंग्लियोनिक ब्रांच। ओके, तो देखिए मैंने नीचे की तरफ दो ब्रांचेज ड्रॉ की हैं, और ये क्या है? ये है हमारी गैंग्लियोनिक ब्रांच ऑफ मैग्जिलरी नर्व, और ये गैंग्लियोनिक ब्रांच बेसिकली किसको जाएगी? टेरेगो पलटाइन गैंग्लिया को, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? टेरेगो पलटाइन फोसा। देखिए ना, हमने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था इसी में। देखिए यहाँ पे टेरेगोपलेटन गेंग्लिया, हमने बताया था ना कि मैग्जिलरी नर्व की तीन ब्रांचेज, गेंग्लियोनिक ब्रांचेज, जाइगोमेटिक ब्रांच और पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वेलर ब्रांच, ये तीनों ब्रांच कहाँ होती हैं? हमारे टेरेगो पलटाइन फोसा के अंदर। अभी सारा एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद इसकी निकलती है तीन ब्रांचेज। तीन ब्रांचेज कौन सी? दिस इज पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वेलर, ऐप यू बोल दीजिए, दिस इज पोस्टीरियर, दिस इज मिडिल, दिस इज एंटीरियर। ओके, तो एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वेलर नर्व। सुपीरियर एल्वेलर मतलब अपर टीथ को सप्लाई करती हैं। उसके बाद ये नर्व आगे जाके फेस में सप्लाई करती है तीन जगह। तीन जगह कौन सी? पैल्पेब्री, लेबियल एंड नेजल। ओके, तो ये तीन ब्रांच हो गए। उसके बाद देखिए, अभी सारा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, सारा हमने बताया था आपको मैग्जिलरी नर्व में। उसके बाद इसकी मैग्जिलरी नर्व की एक और ब्रांच होती है, जिसे बोलते हैं जाइगोमेटिक ब्रांच, और जाइगोमेटिक ब्रांच आगे जाकर टू पार्ट में डिवाइड होती है, जाइगोमेटिको फेशियल एंड जाइगोमेटिको टेम्पोरल। ओके, तो ये सारा भी हमने क्या ड्रॉ किया? दीज आर द ब्रांचेज ऑफ
मैग्जिलरी नर्व या फिर मैग्जिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजमाइनल। तो पहले हम इन सारों की नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो इन सारों की नेमिंग हमें देखिए, हमारे देखिए पहली बात तो ये डायग्राम भी एनाटॉमिकली वैसा ही है जैसे आर्टरी वाला है। मतलब हमने बोला था ना कि मेन डायग्राम का था ये वाला, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो ऑफ टेरिकोपल्टन फोसा के अंदर ड्रॉ किया था। उसमें क्या बताया था, दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, और हम इसे कहाँ से देख रहे हैं, लेटरल टू मीडियल। यही तो है इन्वर्टेड टीयर ड्रॉप शेप। इसे हम कहाँ से कहाँ देख रहे हैं, लेटरल टू मीडियल। तो जो एनाटॉमिकल पोजीशन इसकी है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, लेटरल टू मीडियल, वैसे ही एनाटॉमिकल पोजीशन इस आर्टरी वाले डायग्राम की थी। देखिए ना, हमने पूरा येलो से ड्रॉ किया था। ये पूरा क्या है, बीच वाला, दिस इज टेरिकोपल्टाइन फोसा, और इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन भी डिट्टो ऐसी ही है। मतलब एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, हम इसे कहाँ से कहाँ देख रहे हैं, लेटरल टू मीडियल, और डिट्टो यही की यही एनाटॉमिकल पोजीशन इसी की है, इसकी है। यार आपको दिख ही रहा होगा ना, हमने बोला ना आगे जाके ये फेस में जाती है, इधर पीछे होगा। तो बेसिकली ये क्या होगा, दिस इज एंटीरियर, ये क्या होगा पोस्टीरियर, ये क्या होगा सुपीरियर, और ये क्या होगा बेसिकली दिस इज इन्फीरियर, और कहाँ से कहाँ देख रहे हैं, लेटरल टू मीडियल। मतलब इन तीनों डायग्राम की 1, 2 एंड 3 जो हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, तीनों की एनाटॉमिकल पोजिशन एकदम सेम है। ओके, तो अब आते हैं नेमिंग पे कि कौन सी का नाम क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया था दीज आर गैंग्लियोनिक ब्रांच। ओके, तो मैं इनको लिख रहा हूँ यहाँ पे, दीज आर द गैंग्लियोनिक ब्रांच ऑफ मैग्जिलरी नर्व। देखिए ये क्या है, दिस इज ऑप्थेल्मिक, ये कौन सी होगी, दिस इज मैग्जिलरी। ओके, तो दिस इज मैग्जिलरी नर्व। ओके, मैग्जिलरी नर्व इसकी फर्स्ट ब्रांच गैंग्लियोनिक ब्रांच, सेकंड वाली ये कौन सी है, दिस इज जाइगोमेटिक ब्रांच। दिस इज जाइगोमेटिक ब्रांच, ये कौन सी होगी नीचे वाली, दिस इज पोस्टीरियर, दिस इज मिडिल, MID मतलब मिडिल, एंड दिस इज एंटीरियर। ओके, तो एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व। ओके, तो दिस इज एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व। उसके बाद ये आगे जाके फेस में तीन ब्रांच देती है, तीन ब्रांच कौन सी होगी, दिस इज पैल्पेब्री या फिर पैल्पेब्रल। सेकंड कौन सी होगी, नेजल, और थर्ड कौन सी होगी, दिस इज लेबियल मतलब अपर लिप। ओके, तो देखिए यार, नेजल मतलब नाक, लेबियल मतलब अपर लिप, पैल्पेब्री मतलब दिस इज रिलेटेड टू आई। तो ये तीनों चीज़ें कहाँ होती है, फेस पे होती है, और फेस कहाँ होता है, एंटीरियर साइड। कॉमन सी बात है ना यार। देखिए, सुपीरियर एल्वियोलर नर्व मतलब अपर जा, अपर जा यानी कि मैग्जिला। अरे यार, मैग्जिला के अंदर ही तो अपर जा मतलब पूरे टीथ होते हैं, अपर जा के टीथ। तो देखिए ना, हमने यहाँ बताया था ना, दिस इज मैग्जिला, और ये क्या है, दिस इज अपर जा के टीथ, मैग्जिला है तो ये अपर जाके स्थित हुए ना। तो देखिए, कॉमन सेंस यूँ है कि जो एनाटॉमिकल पोजीशन इसकी दिखाई थी हमने, वही इसी की है। ओके, तो ये हो गया, और हमने बताया था जाइगोमेटिक ब्रांच ऑफ मैग्जिलरी डिवीजन, ये आगे जाके टू पार्ट में डिवाइड होती है। तो ये कौन सा होगा, दिस इज जाइगोमेटिको टेम्पोरल ब्रांच, एंड ये कौन सी होगी, जाइगोमेटिको फेशियल। ओके, तो देखिए, मैंने अब तक जितना भी रेड स्केच से यहाँ ड्रॉ किया है, दीज आर द ब्रांचेज ऑफ मैग्जिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजमाइनल। देखिए, हमारा एम क्या है, हमारा एम ये है कि कौन सी नर्व कौन से कम्युनिकेशंस वाले, या फिर कौन से कम्युनिकेशंस, या फिर कौन से छेद से निकलती हैं। जैसे हमने यहाँ आर्टरी, हमने जब मैग्जिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट की सारी ब्रांचेज ड्रॉ की थी, इसका भी एम क्या था कि कौन से छेद, जो कि छेद हमने यहाँ बताए थे ना, ये इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर, फोरामेन रोटंडम, टेरेगोइड कैनाल, पैलेटो वजाइनल कैनाल, दिस इज पैलेटाइन कैनाल। तो हमने एम क्या था कि इन छेद से कौन सी आर्टरी निकलती है, इधर एम क्या है कि कौन से छेद से कौन सी नर्व निकलती है, वो हमारा मेन एम है। ओके, तो अब तक हमने सारी की सारी मैग्जिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजमाइनल की ब्रांचेज ड्रॉ की हैं। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं टेरिकोपल्टाइन गैंग्लियन। अब देखिए, गैंग्लियोनिक ब्रांच, दीज आर द गैंग्लियोनिक ब्रांच फॉर मैग्जिलरी नर्व, और ये गैंग्लियोनिक ब्रांच किसके लिए हैं, दिस इज फॉर
टेरिगोपलेटाइन गेंगलियोन। तो ये ग्रीन ग्रीन मैंने क्या ड्रॉ किया है, दिस इज टेरिगोपलेटाइन गेंगलियोन। अब हमें देखनी है टेरिगोपलेटाइन गेंगलिया की ब्रांचेज। तो इसकी एक ब्रांच होगी ये वाली जो जाएगी नीचे नीचे, यानी कि दिस इज फोर बकल कैविटी, एक जाएगी इधर सेकेंड, उसके बाद इसकी एक ब्रांच होगी ऊपर की तरफ। देखिए ऊपर, देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा गैप छोड़ दिया है, गैप इसलिए क्योंकि ओवरलैप, मतलब अगर मैं ओवरलैप कर दूंगा, रेगुलर लाइन कर दूंगा तो थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा। मतलब रेगुलर ही है बट इसके पीछे है, मतलब गैप छोड़ने का मतलब है इसके पीछे है। ओके, तो एक दो, इसके बाद तीन ब्रांच, नंबर फोर, और देखिए आपको बताऊंगा इसकी पाँचवीं ब्रांच होती है टेरिगोपलेटन गेंगलियोन की, दिस इज रिलेटेड टू जाइगोमेट्रिको टेम्पोरल। आपको बताऊंगा ना, एक होती है ना इसकी लेक्राइमल नर्व जो कि जाइगोमेट्रिको टेम्पोरल नर्व के साथ हमारे लेक्राइमल ग्लैंड को जाती हैं। ओके, तो दी आर द फाइव ब्रांच, 1 2 3 4, एंड पाँचवीं कौन सी होगी, जाइगोमेट्रिको टेम्पोरल के साथ लेक्राइमल नर्व। तो अब हम इन पाँचों की पहले देखिए, ये ग्रीन से क्या ड्रॉ किया है, टेरिगोपलेटन गेंगलियोन और उसकी ब्रांचेज। तो अब हम उसकी सारी ब्रांचेज की नेमिंग कर देते हैं, कौन सी ब्रांच का नाम क्या है। तो देखिए जो फर्स्ट वाली है इसका नाम क्या है, दिस इज ऑर्बिटल ब्रांच ऑफ टेरिगोपलेटन गेंगलियोन। देखिए ये सारी ब्रांचेज हमने टेरिगोपलेटन गेंगलिया में बताई थी, ओके, सेपरेट वीडियो में, आप वहाँ जाके देख लेना, आई बटन पे मिल जाएगा। तो दिस इज ऑर्बिटल ब्रांच ये कौन सी होगी, ये होगी हमारे पास ये वाली होगी ऑर्बिटल ब्रांच, और जो ये वाली है ये होगी नेजल ब्रांच। ओके, नेजल ब्रांच, ओके, तो जो ये वाली है ना, ये वाली दिस इज नेजल, और जो ये वाली है दिस इज ऑर्बिटल। ओके, तो ये वाली नेजल ब्रांच है, दिस इज ऑर्बिटल ब्रांच। ओके, इसके बाद ये नीचे वाली कौन सी होगी, दिस इज पैलेटाइन नर्व। दिस इज पैलेटाइन नर्व, ओके, और बेसिकली जो आगे की साइड होगी, एंटीरियर साइड होगी, दिस इज ग्रेटर पैलेटाइन, एंड जो पीछे की साइड होगी उसे क्या बोलते हैं, दिस इज लेसर पैलेटाइन नर्व। ओके, तो दिस इज पैलेटाइन नर्व, आगे की साइड ग्रेटर पैलेटाइन नर्व जो कि सप्लाई करती है हार्ड पैलेट को, एंड पीछे की साइड कौन सी होगी, लेसर पैलेटाइन नर्व जो कि सप्लाई करती है हमारे सॉफ्ट पैलेट को। पीछे की साइड जो ये एक ब्रांच है, दिस इज द ब्रांच ऑफ टेरिगोपलेटाइन गेंगलियोन, इसका नाम क्या है, दिस इज फेरिंजियल ब्रांच, YNGEAL, तो दिस इज द फेरिंजियल ब्रांच ऑफ टेरिगोपलेटाइन गेंगलियोन। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पे टोटल चार पांच ब्रांच देखी, पांच कौन सी, एक होगी नेजल, NASL नेजल ब्रांच, ये वाली नेजल है, ये वाली कौन सी है, दिस इज ऑर्बिटल ब्रांच, ये कौन सी है, पैलेटाइन नर्व या फिर पैलेटाइन ब्रांच, ये कौन सी है, दिस इज फेरिंजियल ब्रांच, और पांचवी कौन सी होगी, पांचवी होती है हमारी लेक्राइमल नर्व या लेक्राइमल ब्रांच जो कि जाइगोमेट्रिको टेम्पोरल के साथ जाती है। ओके, तो ये देख लिया। अब इसके बाद एक और चीज़ देखनी है, हमें देखनी है इसका पैरासिम्पेथेटिक, क्योंकि आपको बताऊंगा ना कि हमारा टेरिगोपलेटन गेंगलिया के अंदर सिंपेथेटिक भी होता है, पैरासिंपेथेटिक भी होता है, सेंसरी भी होता है। ओके, हाँ, तो देखिए अब हमें यूँ देखना है, ये हमने पांच फाइव ब्रांचेज ऑफ टेरिगोपलेटन गेंगलिया जो ग्रीन इसके से ड्रॉ कर दी है। अब देखना है कि इसकी जो पैरासिंपेथेटिक वाली ब्रांच है, पैरासिंपेथेटिक रूट होती है, वह कैसे बनती है। तो हमने आपको टेरिगोपलेटन गेंगलिया के अंदर बताया था कि पैरासिंपेथेटिक रूट बनती है दो चीज़ों से, दो चीज़ें कौन सी, एक निकलती है आर्टरी के अराउंड प्लेक्सिस से, यानी कि डीप पेट्रोसल नर्व और ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, मतलब ग्रेटर पेट्रोसल और डीप पेट्रोसल नर्व दोनों आती है और बनाती है पैरासिंपेथेटिक रूट ऑफ टेरिगोपलेटन गेंगलिया। तो मैं यहाँ पे एक आर्टरी ड्रॉ कर रहा हूँ, इस आर्टरी के अराउंड सिंपेथेटिक प्लेक्सिस होगा और इधर से आएगी ग्रेटर पेट्रोसल नर्व यानी कि क्रेनियल नर्व नंबर 7 की ब्रांच। तो चलिए ड्रॉ करते हैं इसे भी। तो पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं ब्रेन वाला पोर्शन, ये क्या है, दिस इज ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम यानी कि दिस इज मिड ब्रेन पोन्स मेडुला ओब्लोंगेटा। ओके, ये हो गया, हमें निकालनी है क्रेनियल नर्व नंबर 7 से कौन सी ब्रांच, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। तो चलो ग्रेटर पेट्रोसल नर्व निकालते हैं। तो ये क्या हो गई, तो ये स्केच ख़त्म हो गया, ये इससे क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, तो दिस इज ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। ओके, ये है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। उसके बाद जो आर्टरी का अराउंड सिंपेथेटिक प्लेक्सिस होगा उस वाली ब्रांच का नाम क्या है,
उस वाली ब्रांच का नाम है बेसिकली डीप पेट्रोसल नर्व। ओके, तो देखिए डीप पेट्रोसल यानी कि येलो और ब्लैक दोनों साथ चल रही है, येलो वाली है ग्रेटर पेट्रोसल, ब्लैक वाली है डीप पेट्रोसल। डीप पेट्रोसल कैसे बनी? आर्टरी के अराउंड सिंपैथेटिक प्लेक्सिस से, मतलब आर्टरी के अराउंड जो भी नर्व है ना वो सारे क्या होगी, सिंपैथेटिक रूट्स। ओके, और ये बेसिकली कहाँ से आई? ये आई हमारे T1 से, होता है ना सिंपैथेटिक चेंज। आप देखते हो सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया, मिडिल और इन्फीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया, तीन होते हैं ना, सुपीरियर मिडिल और इन्फीरियर। तो इससे निकली एक ब्रांच, यहाँ पे बना गैंग्लिया जिसे बोलते हैं सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया। ओके, और इसके बाद ये आर्टरी के अराउंड मतलब लिपट गया और आगे जाके इसने पैरासिंपैथेटिक रूट दी। ओके, तो चलिए इनकी नेमिंग देख लेते हैं, ये कौन सी होगी? दिस इज ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। देखिए मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैंने क्या पढ़ रखा है, मैंने बस दो चीज़ें पढ़ रखी है, एक तो मैक्सिलरी नर्व के सारे ब्रांचेज और टेरिकोपलाइटन गैंग्लियो। अगर मुझे दोनों याद है तो मैं पूरा डायग्राम एकदम कॉन्सेप्चुअल बना सकता हूँ। तो दिस इज ग्रेटर पेट्रोसल नर्व यानी कि दिस इज द ब्रांच ऑफ CN7 यानी कि फेशियल नर्व। और जो ब्लैक वाली है इसका नाम क्या है? दिस इज डीप पेट्रोसल नर्व। डीप पेट्रोसल नर्व जो कि कैसे बनी? सिंपैथेटिक प्लेक्सिस अराउंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो ये क्या है? SYM मतलब सिंपैथेटिक प्लेक्सिस अराउंड AROUND सिंपैथेटिक प्लेक्सिस अराउंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ओके, और यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे सिनेप्स बन गया, सिनेप्स यानी कि गेंग्लिया बन गया। इस गेंग्लिया का नाम क्या है? सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गेंग्लिया। तो दिस इज सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन। ओके, देखिए मतलब सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया के अंदर चार होते हैं, T1, T2, T3, T4 चारों से निकलती है, वो बनाते हैं सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया। बट जो आर्टरी ICA के अराउंड होता है उसमें ओनली T1 वाला ही मतलब यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। और ग्रेटर पेट्रोसल डीप पेट्रोसल दोनों से बनी, इस नर्व का नाम क्या है दोनों के कॉमन से बनी? इसे बोलते हैं दिस इज नर्व ऑफ टेरेगोइड कैनाल। ओके, तो इसका नाम क्या है? दिस इज नर्व ऑफ टेरेगोइड कैनाल, जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, दिस इज नर्व ऑफ टेरेगोइड कैनाल। अब आपको दिमाग ला रहा होगा, हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में क्या बताया था, टेरेगोइड कैनाल मतलब ये दोनों ग्रेटर और डीप पेट्रोसल दोनों कहाँ होती है? हमारे टेरेगोइड कैनाल के अंदर। और हमने आपको एक और बताया था टेरेगोइड कैनाल के अंदर जो भी सामान होते हैं उनके लिए क्या यूज करते हैं? विडियन, मतलब नर्व ऑफ टेरेगोइड कैनाल बोल दीजिए या बोल दीजिए विडियन नर्व। आर्टरी होगी तो कौन सी होगी? विडियन आर्टरी, या फिर बोल दीजिए नर्व आर्टरी ऑफ टेरेगोइड कैनाल। ओके, तो ये हो गया। तो अब हमने देखिए मैक्सिमम पोर्शन कवर कर दिया, हमारा पूरा डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब हमें देखना है कि कौन सी ब्रांच कौन से छेद से निकलती है। तो अब मेन काम वही है जो कि हमें करना था, ये सब तो थोड़ा टेम्परेरी मतलब ऐसे ही कुछ था। तो अब आते हैं मेन चीज़ पे। अब हमें देखना है देखिए कौन सी होगी नेजल ब्रांच, ये भी किसी छेद से होकर निकलेगी। उसके बाद दिस इज ऑर्बिटल ब्रांच एंड दिस इज जाइगोमेटिक ब्रांच और दिस इज इंफ्रा ऑर्बिटल, सॉरी इसको तो देखना बताना भूल ही गए। देखिए दिस इज जाइगोमेटिक ब्रांच, जाइगोमेटिक ब्रांच के बाद क्या होता है ये, इस ब्रांच का नाम क्या है? दिस इज इंफ्रा ऑर्बिटल ब्रांच। ओके, देखिए इंफ्रा ऑर्बिटल ब्रांच आगे जाके एंटीरियर मिडिल ओके एंटीरियर सुपीरियर एल्वेलर और मिडिल सुपीरियर एल्वेलर, ये दोनों किसने दी? इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व ने। ओके, तो दिस इज इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व ऑफ, दिस इज द इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व एंड इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व दिस इज द ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी इन्फ्रा ऑर्बिटल नर्व। ओके, तो देखिए इन्फ्रा ऑर्बिटल ने आगे जाके मिडिल और एंटीरियर सुपीरियर एल्वेलर नर्व दी, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वेलर, ये क्या है? दिस इज अ डायरेक्ट ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी। ओके, इन्फ्रा ऑर्बिटल ने आगे जाके एंटीरियर और मिडिल सुपीरियर एल्वेलर नर्व दी। ओके, तो मतलब ये कि मुझे याद कैसे आया, इसलिए याद आया क्योंकि नेजल ब्रांच ये भी किसी छेद में होगी यानी कि किसी कम्युनिकेशन में होगी। कौन सा कम्युनिकेशन? टेरिकोपलाइटन फोसा का कम्युनिकेशन। जाइगोमेटिक ब्रांच ऑर्बिटल ब्रांच
जाइगोमेट्रिक ब्रांच और इन्फ्रा ऑर्बिटल, ये भी किसी छेद में होगी। तो ये तीनों एक ही छेद में होती हैं, और अज्यूम कीजिए वह छेद कौन सा होगा, इसका नाम क्या है, इन्फ्रा ऑर्बिटल, यानी कि दिस इज, इसके छेद का नाम होगा इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर। कॉमन सी बात है ना यार। नेजल के लिए कौन सा होगा, इसके लिए जो छेद होगा उसे बोलते हैं स्पिनोपलेटाइन। उसके बाद पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वेलर नर्व, ये भी एक छेद में होती है, और इस छेद का नाम क्या है, एल्वेलर फोरामेन। देखिए मैं सारे यही छेद बोल रहा हूँ, देखिए एल्वेलर फोरामेन, इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर, स्पिनोपलेटाइन फोरामेन, हमें यही तो देखना था यार, मेन काम यही तो था। उसके बाद ये भी पैलेटाइन ब्रांचेज भी किस, पैलेटाइन नर्व भी किसी छेद में होगी, इस छेद का नाम क्या होगा, पैलेटाइन कैनाल्स। फेरिंजियल वाली भी किसी छेद में होगी, तो देखिए इसका नाम क्या होगा, दीज आर फेरिंजियल, मतलब पैलेटोवेजाइनल कैनाल्स। इसका नाम क्या होगा, जो इस नर्व ऑफ टेरेगोइड कैनाल जिस छेद में होगी उसका नाम क्या होगा, दिस इज टेरेगोइड कैनाल। और खुद मैगुलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजमाइलर जिस छेद में होगी उसका नाम क्या होगा, फोरामेन रोटेंडम, ये फोरामेन रोटेंडम ही तो होगा। ओके, मतलब देखिए ये पूरा का पूरा, अब मैं क्या छेद को छेद से मिला रहा हूँ, तो ये छेद को छेद से मिलाया, जैसे हमने यहाँ किया था ना आर्टरी में, देखिए ना आर्टरी में हमने छेद को छेद से मिलाया था, और बेसिकली ये येलो से पूरा छेद से छेद को मिलाया था, और बेसिकली बीच वाला पूरा पोर्शन क्या है, दिस इज टेरेगोपलेटाइन फोसा, यही तो है। तो हमने बता दिया आर्टरी वाला कि कौन से छेद से कौन सी निकलती है, अब हम नर्व की बात कर रहे हैं। तो चलिए छेद को छेद से मिलाते हैं, तो ये मिला लिया, इस छेद से ये मिला लिया, इस छेद से ये मिला लिया, ये मिला लिया, ये मिला लिया। ओके, तो देखिए इन सारे छेदों को मिलाने के बाद जो चीज़ हमारे सामने आई है, जो चीज़ कौन सी, ये वाली, ये पूरा पोर्शन आया है, इसे ही क्या बोलते हैं, दिस इज टेरेगोपलेटाइन फोसा, यही टेरेगोपलेटाइन फोसा है। और अब हमें देखना है कि कौन से छेद का नाम क्या है। तो देखिए छेद के नाम के लिए तो यार मैं दोबारा यहाँ नाम लिखूंगा तो मज़ा नहीं आने वाला। तो देखिए आप इन नामों को अपनी, मतलब प्रीवियस वीडियो में जो चार्ट बनाए थे हमने उसी में देख लेना। ओके, नेजल ब्रांच, देखिए ये नेजल ब्रांच है, ये जिस छेद में होगी उस छेद का नाम क्या होगा, नेजल, अब देखिए जगह का थोड़ा लफड़ा पड़ रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ नेजल ब्रांच के लिए जो छेद होगा उस छेद को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए ना यार ये रेड रेड वाला, ये रेड रेड वाला जो नेजल ब्रांच के लिए छेद है, इस छेद का नाम क्या होगा, इस छेद का नाम होगा स्पिनोपलेटाइन फोरामेन, स्पिनो। ओके, देख समझ लेना यार, मैं पूरा नहीं लिख रहा, स्पिनो मतलब नेजल ब्रांच के लिए जो छेद है उसका नाम क्या है, स्पिनो पेलेटाइन फोरामेन। ओके, शॉर्ट में लिखा है स्पिनो पेलेटाइन, पी ए मतलब पेलेटाइन, एफ मतलब फोरामेन। उसके बाद देखिए दिस इज द ऑर्बिटल ब्रांच, दिस इज जाइगोमेट्रिक ब्रांच, एंड दिस इज इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। ओके, ऑर्बिटल, जाइगोमेट्रिक और इंफ्रा ऑर्बिटल, इन तीनों के लिए कॉमन छेद है, इस कॉमन छेद का नाम क्या है, इस कॉमन छेद का नाम है इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नाम आप प्रीवियस वीडियो में देख लेना, वही मैंने यार इन छेदों के नाम बहुत सी बार हर वीडियो में नाम लिया इन छेदों का। ओके, तो दिस इज इन्फीरियर ऑर्बिटल फोरामेन, तो आई एन ए पता, इन्फीरियर ओ आर बी मतलब ऑर्बिटल, सॉरी फिशर गलती हो गया, फिशर, तो इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर। उसके बाद पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वेलर के लिए जो छेद होगा उस छेद का नाम क्या है, इस छेद का नाम होगा एल्वियोलर फोरामेन, एल्वियोलर फोरामेन, जो कहाँ होता है, बॉडी ऑफ मैगजिला में। इसके लिए जो फोरामेन होगा उसका नाम क्या होगा, किसके लिए, पैलेटाइन नर्व के लिए, कौन सा होगा, पैलेटाइन कैनाल्स। देखिए ना यार वही तो होगा, देखिए एनाटॉमिकली है, सारा एनाटॉमिकली है, एनाटॉमिकली है। देखिए इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर आगे मिलेगा, इसके ऊपर जस्ट क्या मिलेगा आपको, फोरामेन, सॉरी स्पिनोपलेटाइन फोरामेन, जो कहा होता है मीडियल साइड, मतलब जो एनाटॉमिकल पोजिशन इसकी है आगे ऊपर नीचे पीछे, वही यहाँ पे है, आगे पीछे ऊपर नीचे, तो इसके लिए कौन सी होगी, पैलेटाइन कैनाल। और बेसिकली पैलेटाइन कैनाल कौन सी होती है, दो होती है, ग्रेटर एंड लेसर। ओके, तो ग्रेटर एंड लेसर पैलेटाइन कैनाल्स। फेरिंजियल ब्रांच ऑफ पैरासिम्पेथेटिक फेरिंजियल ब्रांच ऑफ स्पिनोपलेटाइन गैंग्लियो, उसके लिए जो छेद होगा उस छेद का नाम क्या है, तो देखिए जगह नहीं है, तो इसके छेद के नाम को मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे कौन सा होगा, पैलेटो वेजाइनल कैनाल। देखिए अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पैलेटो वेजाइनल, पी ए एल ए मतलब पैलेटो वेजाई, वी ए जी आई मतलब पैलेटो वेजाइनल कैनाल। उसके बाद दिस इज नर्व ऑफ टेरेगोइड कैनाल, इसके लिए जो छेद होगा, देखिए दिस इज नर्व ऑफ टेरेगोइड कैनाल, इसके लिए छेद होगा, इस छेद का नाम क्या होगा, दिस इज टेरेगोइड कैनाल। तो यार वही जगह का लफड़ा पड़ रहा है, तो इसके लिए जो छेद होगा उस छेद को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या होगा, टेरेगोइड कैनाल, पी टी मतलब टेरेगोइड, सी ए
NAL, टेरेगोइड कैनाल फोर, नर्व ऑफ टेरेगोइड कैनाल। उसके अलावा मैक्सिलरी नर्व जिस फोरामेन से पास होती है उस फोरामेन का नाम क्या है? दिस इज फोरामेन रोटंडम। रोटंडम ओके, तो फोरामेन रोटंडम फोर, मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजमैनल। ओके, तो हमारा एम पूरा हो गया कि हमें क्या देखना था कि जो हम हमारे टेरिगोपल्टन फोसा के कम्युनिकेशंस पढ़ते हैं उस कम्युनिकेशंस में हमें पढ़ना था कि कौन से छेद से कौन सी नर्व निकलती है, कौन से छेद से कौन सी आर्टरी निकलती है। आर्टरी मतलब ब्रांच ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ मैगुलरी मैगुलरी आर्टरी। ओके, ये हो गया। अब देखिए हम थोड़ा एक बार जो हमने थ्योरेटिकल बताया था उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, मैगुलरी आर्टरी। ओके चलो ठीक है, हमने हमें कंटेंट में क्या होती है, मैगुलरी आर्टरी और मैगुलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट की सारी ब्रांचेज जी होती है, चलो ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक और लिखा था कि सेम नेम अकम्पनी, मतलब अगर आप टेरिगोपल्टन गैंग्लिया की ब्रांचेज पढ़ लेंगे तो आपको थर्ड पार्ट ऑफ मैगुलरी आर्टरी की ब्रांचेज को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब या तो आप आर्टरी की ब्रांचेज याद कर लीजिए या फिर गैंग्लिया की ब्रांचेज याद कर लीजिए, दोनों कॉमन हैं और सही भी हैं। हम इसे प्रूव करते हैं यहाँ पे। प्रूव क्या यार, आपको लग ही गया होगा, आप कंपेयर कीजिए सारे चार्ट को। देखिए यहाँ पे एक आर्टरी का नाम था आर्टरी ऑफ, देखिए पहली बात तो ये है कि सिक्स ब्रांचेज कौन सी हैं, वन टू जो ग्रीन ग्रीन से है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, दीज आर द सिक्स ब्रांच फोर, दीज आर द सिक्स ब्रांच ऑफ टेरिगोपल्टन गैंग्लिया, सॉरी मैगुलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट की ब्रांचेस, सिक्स ब्रांचेज। ओके, अब देखिए एक कौन सी थी यहाँ पे, इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी, यहाँ पे कौन सी है, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, यहाँ पे कौन सी है, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वुलर आर्टरी, यहाँ पे कौन सी है, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वुलर नर्व, यहाँ पे कौन सी थी, एल्वुलर फोरामेन, नहीं 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 तीसरी कौन सी थी, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, यहाँ पे भी है देखिए, ग्रेटर एंड लेसर पैलेटाइन नर्व, देखिए ना यहाँ पे पैलेटाइन आर्टरी, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर पैलेटाइन नर्व है, यहाँ पे कौन सी है, फेरिंजियल आर्टरी, यहाँ पे क्या है, फेरिंजियल नर्व, कहाँ है फेरिंजियल नर्व हमारी, देखिए ये रही, यह रही, दिस इज द फेरिंजियल ब्रांच यानी कि फेरिंजियल नर्व ऑफ टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लिया। उसके बाद पांचवी कौन सी थी, आर्टरी ऑफ टेरिगोइड कैनाल, तो देखिए यहाँ पे आर्टरी है, यहाँ पे क्या है, नर्व है, नर्व कौन सी है, ये रही, दिस इज द नर्व ऑफ टेरेगोइड कैनाल। मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे आर्टरी है, आर्टरी की जगह आपको नर्व करना है और डिट्टू नेम है। और लास्ट एंड फाइनल कौन सी थी, स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी, तो यहाँ पे कौन सी है, स्पिनोपैलेटाइन नर्व, ये रही, कहाँ पे है, ये रही, सॉरी हाँ मतलब यहाँ पे स्पिनोपैलेटाइन लफड़ा है, मतलब यूँ किया स्पिनोपैलेटाइन नाम से आर्टरी है बट यहाँ पे छेद है। ओके, तो ये हो गया। तो हमने इस पूरे को एक्सप्लेन कर दिया है कि जो आर्टरी के ब्रांचेज के नाम है वही टेरिगोपल्टन गैंग्लिया की ब्रांचेज के नाम है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या एक्सप्लेन किया था कि मैगुलरी नर्व की तीन ब्रांचेज होती हैं, कौन कौन सी, गैंग्लियोनिक, जाइगोमेटिक एंड पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वोलर। चलिए देखते हैं ये पूरा गोला क्या है, दिस इज फोसा, टेरिगोपल्टन फोसा, हमें देखनी है मैगुलरी आर्टरी की तीन ब्रांचेज। तीन ब्रांचेज कौन सी, देखिए तीन ब्रांचेज मतलब काली काली वाली, हमने जितनी भी ब्लैक ब्रांचेज ड्रॉ की है, दीज आर द ब्रांचेज ऑफ मैगुलरी नर्व की। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे दो आर्टरी नीचे की तरफ लटकाई हुई है, ये क्या है, दीज आर द गैंग्लियोनिक ब्रांच ऑफ, देखिए रेड से जो भी नाम लिख रखे हैं, दीज आर द नेम ऑफ, मतलब सारे की सारी मैगुलरी नर्व की ब्रांचेज है। तो एक रेड वाली ये है गैंग्लियोनिक ब्रांच, तो हो गई ना गैंग्लियोनिक ब्रांच। एक कौन सी है, दिस इज जाइगोमेटिक ब्रांच, ये भी फोसा के अंदर है, गैंग्लियोनिक ब्रांच भी फोसा के अंदर है, जाइगोमेटिक ब्रांच भी फोसा के अंदर है। उसके अलावा ये कौन सी है, दिस इज पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वोलर, ये भी फोसा के अंदर है, मतलब इस येलो येलो वाली बाउंड्री के अंदर है। तो देखिए येलो बाउंड्री के अंदर आपको तीन ब्लैक ब्रांचेज दिख रही है, एक ब्लैक है ये वाली, दिस इज गैंग्लियोनिक ब्रांच, एक ब्लैक है ये वाली जाइगोमेटिक ब्रांच, एक ब्लैक है ये वाली यानी कि पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वोलर नर्व। तो हमने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि मैगुलरी नर्व की ओनली तीन ब्रांचेज होती है इसके अंदर और ब्रांचेज नहीं होती हैं। लास्ट एंड फाइनल कि टेरिगोपल्टन गैंग्लिया और इट्स ब्रांचेज, वो तो यार दिख ही रहा है आपको अभी तक, हमने देखिए ना टेरिगोपल्टन गैंग्लिया भी हमारा इसका कंटेंट है, देखिए ना येलो बाउंड्री के अंदर ही तो टेरिगोपल्टन गैंग्लिया है और इसकी ब्रांचेज यानी कि सारी ग्रीन वाली ये भी इसके अंदर ही है। तो वही लिखा था कि टेरिगोपल्टन गैंग्लिया एंड इट्स ब्रांचेज कहाँ होगी हमारी,
टेरिकोपल्टा एंड फोसा के अंदर। और देखिए लिखा था कि जो इसकी ब्रांचेज होती है गेंगलिया की, कंटेनिंग फाइबर्स ऑफ मैक्सिलरी नर्व, मतलब न्यू समझ लीजिए कि जितनी भी ग्रीन ब्रांचेज है ना, ये सारी की सारी ब्लैक ब्रांचेज को मतलब कन्वे करती है, अकंपनी करती है, मतलब मतलब गेंगलिया की जितनी भी ब्रांचेज होती है हमारे टेरिकोपल्टा गेंगलिया, टेरिकोपल्टा एंड गेंगलिया की जितनी भी ब्रांचेज होती है वो सारी मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेज को अकंपनी करती हैं या फिर उनके साथ चलती हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टेरिकोपल्टा एंड फोसा। ओके, हमने सारा का सारा यहाँ पे टेरिकोपल्टा एंड फोसा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा ना, तो बस आपको कुछ नहीं करना।